हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है नेम प्लेट घर के लिए। अगर आप नया घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो तो ये वाली जो नेम प्लेट है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। आप देख सकते हो आजकल ट्रेंड है डोर पैनल के वहाँ पर नेम प्लेट लगाने का, और मेरे फ्रेंड ने भी लगाई है। ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी, क्या कितने की हर चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी और इससे अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन लगे आने में, और ये हमें पड़ी 469 प्लस 45 रुपीज़ डिलीवरी, तो अप्रॉक्सीमेटली 515 रुपये के आसपास पड़ गई। और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ में आई है। आपको सिर्फ ऑर्डर करना होता है और वहाँ पे नंबर दिया होगा, सेलर को मैसेज करना होता है और वो आपके लिए आपका डिज़ाइन और आपका जो ये नाम रहेगा वो प्रिंट करके आपको प्रिव्यू करने के लिए भेज देगा। आप ओके करोगे, उसके बाद में वो लोग लेज़र कटिंग मशीन से इसे प्रिंट कर देंगे, कटिंग कर देंगे और ऐसे स्टिक करके कुछ ऐसा रूप दे देंगे। आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आया है। ये जो लिखा हुआ है सिंघाल है, मेरे फ्रेंड का सरनेम है सिंघाल, Q004 फ्लैट नंबर है, तो कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आया है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है ये। एक्चुअली हमें सबसे बेस्ट डील मिली, और भी बहुत सारी डील्स थी, ऑफलाइन भी मिल रही थी लेकिन 1000-1200-1500 के आसपास की थी। सबसे सस्ती और सबसे बेस्ट डील लगी। आप देख सकते हो इसके साथ में स्क्रू इसके आ जाते हैं जो कि सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू होते हैं। आप इसे प्लाईवुड में तो ऐसे ही डायरेक्टली लगा सकते हो, दीवार पर लगाना है तब आपको ड्रिलिंग वगैरह करनी होगी। आप देख सकते हो ये वाइट कलर के एक्रेलिक में बना हुआ है, एक्रेलिक की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मोटी है, और जो ये आप देख रहे हो जो लिखा हुआ प्रिंटेड है वो पूरा का पूरा गोल्डन कलर के एक्रेलिक में है। और ये लेज़र कटिंग मशीन से कटिंग करके पूरा चिपकाते हैं और इसे फिर ये प्लेट का रूप मिलता है दोस्तों, उस हिसाब से इसे कट करते हैं। और ऑलरेडी इसमें 2 होल आते हैं, आपको सिर्फ मार्किंग करके ड्रिलिंग कर देनी है या फिर आप डायरेक्टली भी बिठा सकते हो इसके कैप के साथ में, और पता भी नहीं चलता स्क्रू लगे हुए। इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में आता है, आपने प्रीव्यू तो देख ही लिया, उसके बाद में कैसे इसे फिटिंग किया वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों। फिटिंग करने के कितने चार्जेस हुए वो भी, ये बस स्क्रू को आप लोगों को बिठा देना है। 1 इंच के अप्रॉक्सीमेटली स्क्रू मिलते हैं, और आप स्क्रू अगर ये वाले आपके नहीं बैठ रहे तो आप बाहर से भी खरीदोगे तो हार्डली 5 से 10 रुपए के अंदर स्क्रू पूरे आ जाएंगे। दोस्तों जो सेलर का कोऑर्डिनेशन था प्लेट बनाने के लिए, ये नेम प्लेट बहुत ही बढ़िया लगा हमें। इसमें ना 2 साइजेज आते हैं, 12 इंच x 8 इंच, 16 इंच x 8 इंच। अब जो भी आपको सूटेबल हो आप वो साइज़ से ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को बता दूँ इसका फिटिंग का प्रोसेस। फिटिंग के प्रोसेस के लिए कुछ नहीं है, ये भैया आए, इन्होंने 100 रुपये लिए लगाने के। बस स्क्रू को ऐसे रखना है और बस कस देना है। ये प्लाईवुड पे था ये पूरा डोर पैनल, इसके लिए डायरेक्टली कस दिया, क्या बोलते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू है ये सारे, तो उस हिसाब से उन्होंने वैसे ही एडजस्ट कर दिए। हार्डली 2 से 5 मिनट लगे दोस्तों फिटिंग करने में, और मेजरमेंट लेके उन्होंने तुरंत ही डायरेक्ट ही फिटिंग करना चालू कर दिया। जो इसका कैप था जो इसके ऊपर लगने वाला था उसको लगा के डायरेक्टली इन्होंने फिटिंग करना चालू कर दिया। अब देख सकते हो कैसे मेजर कर रहे हैं सीधा है या नहीं, उस हिसाब से सीधा किया और बस फिटिंग कर दिया। बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है दोस्तों। अगर आप भी इस नेम प्लेट को बाय करना चाहते हो तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट करके बाय कर सकते हो। ये हमें सबसे बेस्ट डील लगी, इसके लिए हमने खरीदी है दोस्तों। आप लोगों की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी होगा हमें नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी आप लोगों को रिप्लाई कर सके उतना जल्दी आप लोगों को रिप्लाई कर दे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। दोस्तों इसको फिट करने के बाद पता ही नहीं चलता कि इसे फिट कैसे किया गया है, अनटिल एंड अनलेस वो तो आदमी थोड़ा सा टेक्निकल हो या थोड़ी सी भी नॉलेज रखता हो, क्योंकि इसमें स्क्रू ही ऐसे फिट हो जाते हैं। अब देखो ये मैं आप लोगों को फाइनल भी बताऊंगा। ये देखो कुछ इस टाइप से फिटिंग हो रही है, उसके बाद में आप देखो ये सेकेंड वाला स्क्रू डाल रहे हैं, हार्डली कुछ सेकेंड लगे सिर्फ स्क्रू डालने में। आप देख सकते हो ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज है, तो एकदम फटाक से ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं, बट हाथ से प्रेशर लगा के ही फिटिंग हो जाती है। बस सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बराबर से मेजरमेंट करके जिसको थोड़ी नॉलेज हो उससे फिटिंग करवानी है आप लोगों की। आप देख सकते हो अब हम फाइनल कैप लगा रहे हैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है, फिटिंग हो चुकी है दोस्तों। मेरे चैनल पर चेकआउट कर लो, बहुत सारे और भी वीडियोज़ है दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हो कि हमारा फिटिंग ऑलरेडी फुल्ली फिनिश हो चुका है, बस कैप लगा दिया और हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।